इनको हर तारीख पे कोर्ट में पेश करेंगे। अगर पेश ना करे पेश ना होने की सूरत में इनके ये जो 2 लाख रुपए शोटी के तौर पे जमानत के रूप जो जमा कराए वो कोर्ट जब्त कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान मिर्ज़ा अली बेग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ज़हीर अहमद केस के हवाले से काफ़ी अरसे से बात होते आ रही है और ज़हीर और शब्बीर की जो बेल हुई है और 2-2 लाख रुपये के मचल के जमा करवाने की सूरत में अब इन दोनों मुलजमान को रिहा कर दिया गया है। इस हवाले से मुकम्मल तौर पर मचल के क्या होते हैं और वो क्यों जमा करवाने पड़ते हैं और क्या मचल के जमा करवाने से इतनी श्योरिटी होती है कि मुलजमान जो है महफूज हो जाते हैं, ये तमाम तर मालूमात कराची बार एसोसिएशन के ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन सीनियर एडवोकेट अजहर कादरी साहब, एडवोकेट अजहर कादरी साहब मौजूद हैं। कादरी साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। सर, मचलके के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ज़हीर अहमद और शब्बीर मुलजमान जो ज़हरा काज़मी केस के मुलजमान हैं उनको रिहाई दी गई है, मचलके होते क्या हैं और 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कैसे कराए जाते हैं? जी, सबसे पहले तो अली भाई आपको शुक्रिया, आपने मुझे इस अहम टॉपिक के लिए यू करा। जी, मचलके ये होते हैं कि जिसने कोर्ट ने उसको 2-2 लाख रुपए की जमानत दी, अब ये इन्होंने बैंक से या फिर कौमी बचत बैंक से 2 लाख रुपए के डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट बनाए होंगे जी। तो वो कोर्ट में जमा होती है, फिर कोर्ट अपनी सर्टिफिकेशन के लिए उसकी वेरिफिकेशन भेजती है। अगर वो जेन्युइन होते, सही होते, उसके बाद फिर कोर्ट इसको जमानत पे इनको फिर बेल रिहा कर देती है। अच्छा अजहर भाई, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कोर्ट ये मचल के डिमांड मुलजमान से क्यों करती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे? ये इस चीज की गारंटी होती है कि भाई जो इनका जामीन होता है, जो इनका जमानत देने वाला होता है, इनसे चीज की गारंटी लेते हैं कि भाई इनको हर तारीख पे कोर्ट में पेश करेंगे। अगर पेश ना करे पेश ना होने की सूरत में इनके ये जो 2 लाख रुपए शोटी के तौर पर जमानत के रूप जो जमा कराए वो कोर्ट जब्त कर लेगी। अच्छा, आपने जब्त की बात की, मिसाल के तौर पर इससे पहले भी हम पेशियों में देखते आए हैं कि ज़हीर अहमद को बार बार अदालत में पुकारा जाता मगर वो नहीं आते। अगर मिसाल के तौर पर पेशी होती है और ये मुलजमान पेश नहीं होते तो अदालत के पास कौन से इख्तियारात हैं? एक तो मचल के आपने कहा कि जो है वो जब्त हो जाएंगे, उसके अलावा और क्या कुछ हो सकता है? जब ये कोर्ट से भाग जाते हैं या कोर्ट के अंदर पेशी पे नहीं आते तो कोर्ट इनकी जमानत जब्त करती है और साथ में जो इनका जामीन होता है इनको नोटिस करती है और जामीन को बॉन्ड करती है कि इनको कोर्ट में पेश किए करें। अच्छा, क्योंकि जब सूरत में गिरफ्तारी, जैसे मिसाल के तौर पर ये मुलजमान जो है पेश नहीं होते, एक तो मचल के यहाँ पर जो है जब्त हो गए, दूसरी सूरत में फौरी तौर पर गिरफ्तारी के ऑर्डर? जी, गिरफ्तारी का ऑर्डर ये होता है कि कोर्ट उनको मफरूर करा देती है और 512 की कार्रवाई होती है, जिसके अंदर एनी कोई भी पुलिस वाला और उनको आप बता दे कि मफरूर है ये चीजें, तो कोई भी पुलिस वाला, इसको कोई थाने की हद नहीं होती है, वो कोई भी पुलिस वाला उनको गिरफ्तार कर सकता है। अच्छा अजहर भाई, यहाँ पर थोड़ा सा मैं जो है, क्योंकि ये जो मामला है ये सिटी कोर्ट में मौजूद है, इस तरीके के कितने केसेस आते हैं, थोड़ा सा मैं कमसिन बच्चियों के हवाले से जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसके हवाले से जो है आवाम के सामने रखवाना चाहूँगा कि एक लीगली पाकिस्तान में जो चाइल्ड मैरिज है वो है क्या असल में? जी, इस तरह की मैरिज बहुत होती है, जिस तरह की इसमें ज्यादातर आम तौर पे देखा जाता है कि ये ऐसे केसेस ज्यादा क्रिश्चियन और हिंदुओं में आते हैं जो कि इस्लाम का सहारा लेके इस्लाम में कन्वर्ट होकर शादी करते हैं, और इसके अंदर अलग अलग सूबे का अपना कानून है। जिस तरह कराची, जिस तरह सिंध में 18 साल की बच्ची बालिग होगी और वो अपनी मर्जी से शादी करती है, इस तरह आप पंजाब में आए, पंजाब में 16 साल की लड़की है वो उसको बालिग करार दी, वो अपनी मर्जी से शादी कर सकती है। इस तरह अलग अलग सूबे का अपना अलग अलग कानून है, जिस तरह सिंध एक्ट के तहत 18 साल से पहले बच्ची शादी नहीं कर सकती और उनके वली की परमिशन लाजमी होगी। अगर हम शरीय तौर पे जाए तो शरीयत में ये है कि जब लड़की बालिग होती है तो उसकी वली के उस पर शादी हो जाती है, पर इसमें अपने सूबे में पाकिस्तान का कानून है, फिर इसके बाद फिर सूबे के कानून के तहत इन्होंने अपना अपना कानून बनाया हुआ, उसके तहत ही काम होता है। सर, थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा क्योंकि आप वकील हैं, आप भी पेशियाँ भुगतते हैं, इस तरीके के बहुत से केसेस आपने भी जो है लड़े होंगे,
इतना सारा डिले, तमाम तर सबूत जी यहाँ पर आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट दिखाए जा रहे हैं, मेडिकल हो गया, 15 साल की बच्ची यहाँ पर आ गई, तो कानून इम्प्लीमेंट इतनी देर से क्यों होता है और फिर उसके बाद मुलजमान को रिहाई दे दी जाती है और उनसे जमानतें मांगी जाती हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे बताइए कि कानून फौरी तौर पर लागू क्यों नहीं होता है इन केसेस पर? अली भाई, ये सेंसिटिव केस होते हैं, इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन अपनी पुलिस पूरी अपनी तहकीकात करती है, तहकीकात करने के बाद इसके अंदर फिर चलान पेश होता है, चलान पेश होने के बाद फिर जो कोर्ट अपना इसके अंदर इसमें गवाही चलती है, तो इसके अंदर थोड़ा प्रोसेस में टाइम लग जाता है कि हमारा कानून थोड़ा सुस्त है, क्योंकि हमारा कानून ना वही 1945 वाला कानून चल रहा है, ब्रिटिश कानून, इसमें कोई अमेंडमेंट इतनी खास तौर पर देखी नहीं गई है जिसमें हमको अमेंडमेंट करने की सख्त जरूरत है, वो इसलिए वो लेट हो जाता है, और हमारी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सिलो है जिसके अंदर काम करने की बहुत अशद जरूरत है। ये जो जज साहिबान है एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में लेकर जाते हैं, जो जिसकी बच्ची यहाँ पर जो है जाती है या जिसका बच्चा जाता है, ज़रूरी नहीं है कि लड़की ही उसके साथ ज़बरदस्ती शादी की जाए, अगवा करके जो है लड़कों को भी इस तरीके से केसेस आपके पास आते होंगे, तो इस तरीके के जो मतलब उनके घराने होते हैं वो किस हद तक डिस्टर्ब होते हैं आपके साथ, क्या चीज़ें जो है सामने आती हैं, थोड़ा सा बताइएगा आप। इस तरह व्हाइट कलर होते हैं, सफेद को पोश लोग होते हैं, इस कर पाते मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज के मतलब थोड़ी नॉलेज जनरेट हो जाते हैं तो कोर्ट में आते हैं, बाकी बहुत से केसेस तो रजिस्टर ही नहीं होते, लोग अपनी इज्जत के खातिर चुप हो जाते हैं। चले बहुत शुक्रिया अजहर भाई, मचलके के हवाले से सबसे बड़ी चीज जो एक बात थी, इस हवाले से कोशिश करूंगा कि जो है मजीद आपके साथ बैठकर इसके ऊपर प्रॉपर बात की जाए, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त देने का, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा एडवोकेट अजहर कादरी साहब बहुत माहिर वकील हैं, कभी आपकी मुलाकात करवाएंगे एडवोकेट अजहर कादरी साहब से, जो कि इस तरीके के केसेस को देखते हैं, रात का पहर है तो मैंने कोशिश की कि अजहर साहब से जो भी कानूनी पहलू हैं वो सामने रखा जाए कि मचल के होते क्या हैं और क्या कुछ हो सकता है अगर जो है मचल के जमा करवाने के बावजूद मुलजमान पेश नहीं होते, और क्या ये मचल के जमा करवाना या श्योरिटी देना बहुत बड़ी जो है एक श्योरिटी है जिसके बाद जो है मुलजमान को रिहा समझा जाए, इसके ऊपर, इस केस के ऊपर, मुलजमान की रिहाई के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, मगर इस वक्त जो हमने बात की मैं समझता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जो है आप इस केस को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं। अल्लाह।